दोस्तों जानिए आज भारत के पांच दिल दहला देने वाली रहस्यमय खंडहर के बारे में, जहां हवा में बहती खामोशी, पत्तों की खरखराहट, सुनसान सड़क, कदमों की आहटों से दिल की धड़कनों का बढ़ना, खंडहरों की एक विशाल काया और उन खंडहरों में छुपे रहस्य। क्या आप भी कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां आप अपने जिगरी दोस्त के साथ एडवेंचर सैर पर निकलें, जो बन जाए आपकी ज़िंदगी की एक रोमांचक याद? तो देर किस बात की, आप तो बस अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लानिंग कीजिए आने वाले वेकेशन को रोमांचक बनाने के लिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे ऐसी मिस्ट्री जगहों के बारे में जहां दूर दूर तक पर्शा सन्नाटा, साय साय करती हवाएं आपको आपकी ही परछाइयों से डरा देगी। तो चलिए आपको ले चलते हैं पहली खंडहर के पास, जिसका नाम है हम्पी। आप शायद नहीं जानते होंगे, हम्पी हिस्टोरिकल टाउन है जो अब विशाल खंडरों के रूप में जाना जाता है। यह कर्नाटक का छोटा सा गांव हम्पी एक हिस्टोरिकल टाउन में है जो अब खंडरों के रूप में पहचाना जाने लगा है, जहां अब विशाल खंडहर हैं। इन खंडरों की सैर करने आपके लिए काफ़ी रोमांचक सैर होगी। हॉरर माहौल में एक एक कदम आगे बढ़ाने और हल्की सी सरसराहट से कदमों वहीं थम जाना, मानो कोई पीछा कर रहा है। हम्पी कभी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, अब हम्पी पंपा से निकला हुआ नाम से जाना जाता है, अब केवल खंडरों के रूप में ही रह गया है। इस जगह पर तकरीबन 500 से ज़्यादा खंडहर जो 25 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसमें पुराने बाजार, महल, मंदिर, चबूतरे और स्मारकों के अवशेष देखने को मिलते हैं। इसकी हर एक इमारत में रहस्य छिपा हुआ है जो अतीत के किस्से बयां करता है। हम्पी का विशाल फैलाव गोल चट्टानों के टीलों में विस्तृत है, इसमें कोई शक नहीं है यह टाउन अपने समय में सबसे खूबसूरत टाउन में रहा होगा, क्योंकि यहाँ की ऐतिहासिक निशा अपने आप में इस टाउन की खूबसूरती को दर्शाते हैं। हम्पी में बिठाला मंदिर शानदार स्मारकों में से एक है। इसके मुख्य हॉल में लगे 56 खंभों को थपथपाने पर उसमें से संगीत लहरियाँ निकलती है। इसके अलावा कमल महल और जनान खाना भी ऐसे आश्चर्यों में से शामिल है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम दूसरे टाउन की तरफ, जिसका नाम है धनुषकोटी। धनुषकोटी मिस्टीरियस होने के साथ साथ तीर्थ स्थल भी है। धनुषकोटी को मिस्टीरियस टाउन माना जाता है। इस इलाके में अंधेरा होने के बाद घूमना मना है। यहाँ पर लोग ग्रुप में आते हैं और सूर्यास्त होते ही रामेश्वर पहुँच जाते हैं। धनुषकोटी के खंडरों को देख हम कह सकते हैं कि डरना जरूरी है। यहाँ के 15 किलोमीटर का रास्ता काफ़ी सुनसान, डरावना और विचलित कर देने वाला रहस्यमय से भरा हुआ पड़ा है, जिसके बारे में सैकड़ों कहानियाँ गढ़ी जा चुकी हैं। इस इलाके में आकर यहाँ की कहानियाँ सुनना अपने आप में अनोखा एहसास होता है। धनुषकोटी के बारे में कहा जाता है कि काशी की तीर्थ यात्रा मोती बंगाल की खाड़ी और रत्नाकर हिंदी महासागर की संगम पर धनुषकोटी में पवित्र स्थान के साथ रामेश्वर में पूजा के साथ ही पूर्ण होगी। यह गांव भारत के ऐसे छोर पर है जहां से श्रीलंका नजर आता है। हालांकि इसकी गिनती अब भूते शहरों में ज़्यादा की जाती है, क्योंकि इस इलाके में अंधेरा होने के बाद घूमना सख्त मना है, क्योंकि पूरा 15 किलोमीटर का रास्ता सुनसान, डरावना और रहस्यमय है। इस भूते शहर को अक्सर देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको ले चलेंगे तीसरे टाउन की तरफ, जिसका नाम है कलावती दुर्ग, हॉन्टेड प्लेस। महाराष्ट्र के माथेरान और पनवेल के बीच स्थित कलावती दुर्ग भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह इंडिया का मोस्ट डेंजर एरिया माना जाता है, जहां कई इमारतों की कहानियां दफन है। लगभग 2300 फीट ऊंचे इस दुर्ग पर चढ़ना बेहद रिस्की है। इस किले पर चढ़ने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई है। इन सीढ़ियां पर ना तो रस्सियां हैं और ना ही कोई रेलिंग, और सबसे बड़ी समस्या है जोर से चक्कर आना। कलावती दुर्ग को परवलगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है, इसको हॉन्टेड प्लेस भी कहते हैं।
क्योंकि यहाँ ना तो कोई जल्दी आता है और जो आ गया वो सूर्यास्त से पहले ही चला जाता है। मीलों दूर तक फैला सन्नाटा डर और भय का कारण बना हुआ है। यहाँ के खंडहर मानो चीख चीख कर अपने अतीत को बयान कर रहे हो, और जब रात हो जाए तो यही चीखें सनसनाती हवा के साथ चारों ओर गूंजने लगती है, जहाँ एक एक कदम रहस्यमयी दुनिया की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलेंगे चौथे टाउन की तरफ, जिसका नाम है भानगढ़, जो अनेक कहानी और खंडरों का रहस्यमय नगर है। अलवर जिले में स्थित भानगढ़ भूतों का गढ़ है। यहाँ सूर्यास्त के बाद कोई व्यक्ति नहीं रुकता। यहाँ के किले को हॉर्नेस्ट पैलेस कहा जाता है। लोगों के मन में इस इलाके को लेकर इतना भय है कि शाम ढलते ही वहाँ से निकलना ही बेहतर समझते हैं। भानगढ़ किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। भगवंत दास के छोटे बेटे और मुगल शाहजहां अकबर के नवरत्नों में शामिल मानसिंह के भाई माधो सिंह ने बाद में इसे अपनी रिहाइश बना दिया। इसके अंदर घुसते ही दाहिने और कुछ हवेलियां के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। भानगढ़ के किस्से अनेकों रहस्यमय हैं, जो अलग अलग तरह से लोगों के बीच आते हैं। कहा जाता है कि भानगढ़ से संबंधित कथा उक्त भानगढ़ बालूनाथ योगी की तपस्या स्थल था, जिसने इस शर्त पर भानगढ़ के किले को बनाने की सहमति दी थी कि किले की परछाई कभी भी मेरी तपस्या स्थल को नहीं छूने चाहिए। परंतु राजा माधव सिंह ने वंशजों से इस मत पर ध्यान नहीं देते हुए किले का निर्माण ऊपर की ओर जारी रखा। इसके बाद एक दिन किले की परछाई तपस्या स्थल पर पड़ गई, जिस पर योगी बालूनाथ ने भानगढ़ को श्राप देकर ध्वस्त कर दिया। श्री बालूनाथ जी की समाधि अभी भी वहां पर मौजूद है। तो दोस्तों, अब हम ले चलेंगे आपको आखिरी टाउन के पास, जिसका नाम है रोज आइलैंड। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में स्थित रोज आइलैंड भी किसी रहस्य से कम नहीं है। समुद्र के किनारे कुछ इमारतों के अवशेष हैं। यहाँ 1941 में भूकंप आया था, जिसके बाद इस इलाके में कोई नहीं रहता है। आइलैंड में चर्च, गार्डन और बॉलरूम के अवशेष देखने को मिलते हैं। यह काफ़ी रोमांचक जगह है, यहाँ पर्यटन आना पसंद। चारों ओर सन्नाटे का बसेरा यहाँ आने वाले के लिए रोमांचक सैर साबित होती है। समुद्र की लहरों की आवाज़ें, आसपास का घना जंगल, जंगल से पत्तों की खरखराहट, जहाँ नज़र उठे वहाँ तक पानी और कानों में पानी का सोंग, अपने आप से किसी एडवेंचर से कम नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।